मित्र जय श्री राम। तत्काल टाइम न्यूज़ में मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत करता हूं और एक दिवसीय इस चित्रावली में आप हमारे साथ बने रहिए। मित्रों आज है 24 अगस्त शनिवार का दिन और जी हाँ, इंदौर से श्री राम आनंद पैनल की टीम प्रत्याशियों के साथ में निकल गई है उज्जैन शिवराम मांगलिया और देवास के प्रचार अभियान पर। और चित्रावली के सारे चित्र वहीं के हैं और प्रचार प्रसार में जुटी इस पैनल ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करा और उनको अपनी बात बताई। मित्रों श्री राम आनंद पैनल के आज के प्रचार की कमान संभाली है पूर्व अध्यक्ष एवं मार्गदर्शक सतीश दुबे ने। साथ में प्रत्याशी जो चल रहे हैं उनमें सर्वश्री संजय पाठक, संतोष उपाध्याय, अशोक दुबे, संजय व्याज, महिला प्रतिनिधि अर्चना मंडलोई, श्री वीरेंद्र कानूनगो, मनोज दुबे एवं राजेश मंडलोई इस दल में शामिल है। सहयोगी के रूप में चल रहे हैं श्री मितेश रावल, सुधीर चतुर्वेदी एवं ललित मंडलोई। मित्रों चुनाव प्रचार के लिए निकली श्रीराम आनंद पैनल का पहला पड़ाव मांग लिया था। उसके पश्चात पूरी टीम शिप्रा पहुंची, जहां से इस टीम में श्री मनोहर लाल तिवारी शामिल हुए, जिनके समन्वय में पूरी टीम उज्जैन पहुंची एवं उज्जैन में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज उज्जैन के अध्यक्ष श्री अशोक जोशी भी जुड़ गए, जिनके साथ पूरी टीम ने उज्जैन में सघन जनसंपर्क किया। मित्रों श्री राम आनंद पैनल के वरिष्ठ प्रत्याशी अशोक दुबे जगह जगह पर अपने साथी प्रत्याशियों का परिचय कराते नजर आ रहे थे। वहीं वरिष्ठ मार्गदर्शक एवं पुरुष अध्यक्ष सतीश जोशी सहकारिता नियम एवं पेड़ी के आने वाले दिनों की योजना भी मतदाताओं को बताते रहे। इसी दौरान वरिष्ठ प्रत्याशी संजय व्यास एक सामाजिक सरोकार का काम भी निभाते निपटाते नजर आए। हम सब जानते हैं महामना
पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा के जीर्णोद्धार का काम तो इंदौर नगर निगम कर रहा है, पास ही बन रहे एक पुल का नाम उनके नाम पर करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान समाज के द्वारा चला जा रहा है और श्रीराम पैनल के संजय व्यास प्रचार के दौरान यह काम भी बखूबी करते दिखाई दिए। इंदौर से निकलकर मांगलिया शिप्रा देवास उज्जैन के गली मोहल्लों एवं चुबारों में स्थित पीढ़ी मतदाता एवं समाजजनों के परिवारों से मेल मिलाप कर श्री राम आनंद पैनल के इस मैराथन प्रचार अभियान का समापन देवास में श्री सुरेंद्र पंड्या के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हुआ। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं श्री गौड़ सहकारी सभा मर्यादित इंदौर के चुनाव 8 सितंबर को है और श्री राम आनंद पैनल जो कि इसमें खड़ी हुई है उसके एक दिनी प्रचार की चित्रमय झलकियां हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।